हाई फ्रेंड्स इन वीडियो नाम इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ सीटी सिस्टम प्रॉब्लम वो सॉल्व पड़पर सो फर्स्ट इतना क्वेश्चन एंड इतना वो डिफरेंशियल इक्वेशन नम को सो फर्स्ट वो स्टेप नम्बर एपी मतपर अब सो फोर इयर ट्रांसफॉर्म यूस पड़ी स्टेप नम सॉल्व पड़पर सो फर्स्ट वह सो इत बदल डी स्क्वायर डिवाइड बाय डीटी सो इतनी बदल जे ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर रिप्लेस पड़पर अदमारी डी डिवाइड बाय डीटी की जे ओमेगा रिप्लेस पड़पर एंड अदमारी टी प्लेस एल्लातुलमे टी इक्वल टू ओमेगा अब रिप्लेस पड़पर सो नेक्स्ट अदमारी डी डिवाइड बाय डीटी की जे ओमेगा रिप्लेस पड़पर टी इतना ओमेगा रिप्लेस पड़पर अब ओके वो नम्बर स्टेप एलिक्लाको जे ओमेगा होल स्क्वायर वाई ऑफ टी की बदल ओमेगा ओके नेक्स्ट इन द फोर जे ओमेगा वाई ऑफ टी की बदल ओमेगा प्लस थ्री वाई ऑफ ओमेगा इधर बदल जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा प्लस टू एक्स ऑफ टी की बदल ओमेगा ओके निक्रे नेक्स्ट स्टेप पड़ो अब सो इतना वो वै आफ ओमेगा वो कामन सो इत नम्बर वेकल वै आफ ओमेगा सो इतना अब वै आफ जे आफ ओमेगा होल स्क्वायर देन टर्म फोर जे ओमेगा इतना प्लस थ्री नेक्स्ट इतनी कामन एक्स आफ ओमेगा कामन सो एक्स आफ ओमेगा सो इतना जे ओमेगा प्लस इत रे पड़ी अब टू ओके इप्डीमा नेक्स्ट स्टेप नाम पड़पर अब क्वेश्चन अब इंपल्स रेस्पॉन्स वो कैपिटा इो नमक वो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सो फॉर्मुला फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सो फॉर्मुला अब y of omega divided by x of omega okay so frequency response and answer kadichircha so idu namakku idu already irukku so adanal nama idha vandu first kandupidichiralam idha vachi nama vandu impulse response ah find pandrom okay va so first vandu frequency response ah eppadi denote pannuvom appadina h of omega adoda formula enna sollirukom y of omega divided by x of omega appdin solliyaacha so ipo vandu indha step eppadi varum appadina सो इतना वो नमुक वै आफ ओमेगा डिवाइडेड बाय एक्स आफ ओमेगा कैंडपिड़ो वै आफ ओमेगा वैल्यू वो एवं वो मल्टिप्लेबद डिवाइडेड बाय वो लिया सो अोड़ वैल्यू वो इोड़ वैल्यू है जे ओमेगा प्लस टू ओके एक्स आफ ओमेगा वैल्यू वो एक्स आफ ओमेगा वैल्यू वो इत ओकेवा सो जे ओमेगा होल स्क्वायर प्लस फोर जे ओमेगा प्लस थ्री ओके नेक्स्ट स्टेप ना सॉल्व पड़ो सो इत स्टेप स्टेप आबड़ी अब फैक्टर्स थ्री वो एपड़ी वन इंटू फोर अच्छी वन इंटू थ्री सो मल्टिप्ले पड़े थ्री वो अंड प्लस पड़ो अब फोर वो ओके फैक्टरेज़ पड़ी इंजीरेंगे नेक्स्ट वो पड़पर अब नम्बर पड़ोम पार्शियल फ्रैक्शन पड़ो कॉन्सेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन वो एड़को सो फर्स्ट पड़ो नम्बर इत टर्म इत बी टर्म इतो जे ओमेगा प्लस टू इक्वल टू a divided by j omega plus 1 plus b divided by j omega plus 3 okay so ipo enna pannuvom cross multiply pannuvom so a of j omega plus 3 plus b of j omega plus 1 okay so in the term vandu apdiye irukum so next vandu a oda value b oda value find pananum so ipo vandu z irukra z x andha mai values irukum laya so adukku badala namakku j omega irukku okay va vandu enna panaporum appadina j omega oda value vandu minus 3 appdi substitute panaporum so inge substitute panikalam minus 3 plus 2 oda value vandu minus 1 so next a vandu 0 vairum b oda value minus 3 plus 1 na vandu minus 2 so b oda value vandu enna varum 1 by 2 वन बै टू अब जीरो पॉइंट फाइव नेक्स्ट जे ओमेगा वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट पड़ो माइनस वन सो जे ओमेगा इक्वल टू माइनस वन सो माइनस वन प्लस टू वो वैल्यू वो वन इक्वल टू सो माइनस टू ओके नमक वो सो माइनस वन प्लस थ्री वैल्यू प्लस टू ओके वैल्यू वो एक्वल टू 1 by 2, so 1 by 2 वैल्यू 0.5, so 2 வந்து 0.5 வந்திருக்கு, so அப்ப முன்னாடி உள்ள ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம், இப்போ எப்படி வந்திருக்கு, a ோட வேல்யூ வந்து 0.5 divided by j omega plus 1, அதே மாதிரி b ோட வேல்யூ
ஜே ஒமேகா ப்ளஸ் த்ரீ. ஓகே, இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் வேணும். ஸோ இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் எடுத்தோம்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் எடுத்து அதுக்கு வந்து ஆன்சர். ஸோ இதை வந்து இன்வர்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு. ஸோ இதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, ஸோ மேலே உள்ள வேல்யூ இது அப்படியே இருக்கட்டும். இதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா e பவர் மைனஸ் டி, இங்கே வந்து ஒன்னு இருக்கனால டி மட்டும்தான் வரும், u ஆஃப் டி. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து ஒன்னு இருக்கனால நமக்கு ஒன் டீன் வந்துருச்சு, இங்கே த்ரீன்னு இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ டி அப்படின்னு வரும். ஓகேவா, அவ்வளோதான் வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? ஸோ 0.5 e பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்கனால த்ரீ டி u ஆஃப் டி. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்வர்ஸ் எடுக்கும்போது ப்ளஸ்ஸுங்கிறதும் மைனஸ் ஆகும், கரெக்டாக? ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து மைனஸ் வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து 0.5 வந்து காமனாக இருக்குது, 0.5 யூ ஆஃப் டியும் காமனாக இருக்குது, அதனால் வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ இங்கே இது இதுவும் போயிடுச்சுன்னா இது மட்டும்தான் வரும், இ ஆஃப் மைனஸ் டி அண்ட் மைனஸ் அண்ட் இந்த டேர்ம் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி. ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கொஷினில் கேட்டது. ஸோ இதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹச் ஆஃப் டி. ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கேளுங்கள். அண்ட் பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் இருக்குது, வேணும்னா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.